इस वक्त राजेंद्र नगर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर उपचुनाव होना है और इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश पाठक का एक रोड शो हो रहा है। आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और उससे पहले रोड शो करते हुए दुर्गेश पाठक और उनके साथ आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता विधायक इस रोड शो में आपको नजर आ जाएंगे। 23 जून को इस सीट पर मतदान होना है, 26 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे और उससे पहले एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक, जो आम आदमी पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है, उनका ये रोड शो आपको नजर आएगा जो यहाँ से होता हुआ सीधा नॉमिनेशन के लिए पहुंचेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, ये सामने आप दिलीप पांडे देख रहे हैं, उसके पीछे आतिशी आपको नजर आएगी, गोपाल राय नजर आएंगे, सौरभ भारद्वाज नजर आएंगे। तो तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता इस पूरे रोड शो में शामिल हुए हैं। एक तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस नॉमिनेशन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और कोशिश ये की जा रही है कि एक बड़ा मैसेज दिया जा सके। राजेंद्र नगर सीट पर राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के विधायक थे, लेकिन वो आम आदमी पार्टी से पंजाब से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं और इसके बाद ये सीट खाली हुई है, जिसके बाद से इस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। तो आप तस्वीरें देखिए कि आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजीव झा, तमाम विधायक जो हैं इस पूरे रोड शो में शामिल हैं और एक बड़ा रोड शो इस वक्त होता हुआ आपको नजर आएगा राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर। तो आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दुर्गेश पाठक, वो आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आखिरी तारीख है, चुनाव की बड़ी तैयारी है, अरविंद केजरीवाल के नाम पर पूरा का पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, राजेश भाटिया जो कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रेम लता कांग्रेसी कैंडिडेट हैं, वो लड़ रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख के दिन एक बड़ा रोड शो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह राव, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।